नमस्कार, स्वागत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, अभी बेहद ही बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई आ रही है। और क्या है, आइए विस्तार से बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो पर 5000 से ज्यादा लाइक अगर तेजस्वी यादव के समर्थक और सपोर्टर है तो। गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है, मौसम विभाग का नई जानकारी। बिहार में साइबर अपराध को रोकने के लिए, यानी आपके बैंक से जो पैसे गायब कर दिए जाते हैं उसे रोकने के लिए अब आप पर पूरा शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही बात करेंगे आज की बड़ी खबर में, सिर्फ हत्याकांड को लेकर के नई जानकारियां सामने निकल करके आ रही है। और इसके साथ ही आज की बड़ी और मुख्य समाचार में बातचीत करेंगे कि मुकेश सहनी एक बहुत बड़ा नाम, और ये बार बार आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी हमें लगातार परेशान कर रही है, तो ऐसे में मुकेश सहनी का नया स्टेटमेंट सामने आया है, इसको लेकर के पूरी जानकारी देंगे। और बताएंगे ममता बनर्जी तीसरे बड़े मोर्चे को बनाने के बाद में क्या परेशान कर सकते हैं बीजेपी को। बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी को संभाल रहे तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकलकर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की संख्या ज्यादा पाई जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, और लोकसभा चुनाव में इसका पूरा का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव इशारों में कई बार यह साफ तौर पर बता भी चुके हैं कि 2024 उनके लिए खास है और सभी सीटों पर बीजेपी की हार होगी और हमारी जीत। इस बात को बताने के बाद में तेजस्वी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बार फिर चर्चा का विषय बनेंगे। और मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव का ये कमिटमेंट देश के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होगा। हालांकि तेजस्वी यादव के कंधों पर लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारियों को डाला गया है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए दी गई नई जिम्मेदारियां किसी बड़े खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि इधर राहुल गांधी, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने भी जमकर के तेजस्वी यादव की तारीफ की और बड़े राजनीतिक नेता के तौर पर उन्हें हमेशा से शाबाशी दी गई। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त साइबर पुलिस को लेकर के। दरअसल आज बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ी हुई है। किसी का बैंक से पैसा गायब हो जाता है तो कोई बैंक से बहुत बड़ा चोरी कर लेता है। ऐसे में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार इन मामलों को देखते हुए और लगातार देश में साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, इस मामलों को देखते हुए सरकार ने विचार किया कि क्यों ना पुलिस स्टेशन भी बनाई जाए। साइबर अपराध के लिए 44 नए थानों का स्थापना किया जाना है, जिस थाने में साइबर अपराध के तौर पर तमाम चीजों की सुनवाई की जाएगी। इसमें पुलिस कर्मचारी से लेकर के डेटा एंट्री तक के व्यवस्था और तमाम विभिन्न प्रकार से इसे जोड़ने और अच्छे तरीकों से इसके संचालक करने की कोशिश की जाएगी, जिससे संचालित अच्छे ढंग से किया जा सके। तो साइबर अपराधों को रोकने के लिए बिहार की सरकार ने बेहद ही बड़ा कदम उठाया और इसे सराहनीय कदम के तौर पर देखा भी जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुकेश सहनी को लेकर के। बिहार के चर्चित चेहरा है मुकेश सहनी, और बीजेपी पर कई बार उन्होंने आरोप लगाया है। जब वीआईपी का समाप्ति हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जब हम बीजेपी को जगह जगह पर हराएंगे तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा और दिल को शांति मिलेगी। लेकिन खबर अब ऐसी आ रही है कि होली पर मुकेश सहनी बीजेपी समर्थित तमाम नेताओं के संपर्क में आए और वहीं से उनकी एक नई पहचान की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि उसी नई पहचान के कारण आज मुकेश सहनी फिर से चर्चा का विषय भी बने हुए हैं और उनसे तमाम लोग जुड़ रहे हैं। अब 2024 में मुकेश सहनी बेहतर पैमाने पर लोगों को जीत करके इतिहास दिखाएंगे, और इसीलिए वह बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के साथ कुछ बड़ा और बेहतर करने के प्लानिंग में लगातार वह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपनी राय कॉमेंट में दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी। अपनी राय कॉमेंट में देना ना भूलिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है। अपनी राय कॉमेंट में लिखिएगा और जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से लगातार चर्चा सामने आ रही है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव वही चेहरा है और पप्पू यादव वही नाम है जिस नाम की तारीफ अक्सर की जाती है। दरअसल पप्पू यादव कांग्रेस के संपर्क में जाने के बाद में समर्थित तमाम नेताओं को अपना एक नया आसरा देने में लगे हैं। माना जा रहा है कि पप्पू यादव बेहतर तौर पर हमेशा खुद को डेवलप करने का प्रयास करते रहते हैं। संसदीय व कांग्रेस के समर्थित तौर
पर लड़ सकते हैं और इसके लिए अपने पूरे कामयाबी तौर पर अपने शिखरों को मजबूत करने का प्रयास देख रहे हैं। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्या लगता है 2024 में जिया क्या पप्पू यादव सांसद के तौर पर कांग्रेस पार्टी की एक जनाधार मजबूत करेंगे या जिया लोक जनशक्ति पार्टी समेत कई अन्य पार्टियां जो मार्केट में आई हैं इस वक्त, इन पार्टियों का क्या होगा? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और अपना विचार भी कि पप्पू यादव से जुड़ी हुई आपकी क्या राय है। पप्पू यादव लगातार अपनी मेहनत को कर रहे हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप पर सुनवाई होनी है। मनीष कश्यप पर सुनवाई से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि यह किस तारीख को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पे कहा था कि NSA क्यों लागू किया गया है और मनीष कश्यप के वकील को ये बात उन्होंने कहा था कि आप NSA को चैलेंज कीजिए और NSA को भी इंक्लूड कीजिए। इस मामले में NSA जब इंक्लूड होगा तो और भी विस्तारित और बेहतर जानकारियाँ ली जा सकेगी। उधर बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार से यह पूछताछ की जा रही है कि NSA क्यों लागू किया गया है और इस मामलों को पूरा तरीके से जांच किया जा रहा है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट अगला सुनवाई के साथ ही यह स्पष्ट करेगा कि मनीष कश्यप पर क्या होगा और किस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आएगी। क्या मनीष कश्यप का जान बख्शा जा सकता है या नहीं, या वह जेल के सलाखों के पीछे फिलहाल रहेंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी दिशा निर्देश जारी कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है तमाम चीज़ों को देखते हुए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर जी हाँ चर्चा इस बात को लेकर के है कि कर्नाटक में क्या होगा। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव इस वक्त चर्चे में है और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि देश में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव चर्चा का कारण इस वजह से भी बना हुआ है क्योंकि यहां से कांग्रेस को एक नई पहचान मिल रही है। कांग्रेस यहां बीजेपी को हराने योग्य तैयार हो चुकी है और बीजेपी की यहीं से समाप्ति का एक कहानी लिखने वाली है। हालांकि इस बात की ITT पुष्टि नहीं करता कि कितनी सीटों पर और किस तरीके से किसकी जीत होगी, लेकिन यह साफ है कि जो कांग्रेस के सर्वे और रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिया, इस पर कहा गया कि 224 सीटों में से जी हाँ लगभग हम 130 से 35 और 40 सीटों तक जीत करके बड़ा इतिहास रचेंगे। हालांकि अब तो यह बताने आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सीटें किसके पाले में जाती है और कौन बनाता है इतिहास, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इतिहास की सभी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा जारी है। सभी खबरों के साथ आज बढ़ते हैं लालू प्रसाद यादव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर। लालू प्रसाद यादव इस वक्त जी हाँ फिलहाल ठीक ठाक हैं और अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव क्यों अचानक से ऐसे मूड और मिजाज में चले आते हैं जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। दरअसल खबर ऐसी है कि पप्पू यादव समेत कई अन्य बड़े नेताओं को लालू प्रसाद यादव समर्थन में ला रहे हैं और समर्थन में लाने के साथ ही ये धीरे धीरे वह कोशिश करेंगे कि 24 के चुनाव को लेकर के वह अपने आप को भी समर्पित कर सके, क्योंकि 24 के चुनाव में अगर लालू प्रसाद यादव ताकत लगाते हैं तो ये साफ तौर पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और पटना में तो लालू प्रसाद यादव की फैन और पटना में लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए तमाम लोग के बारे में आपको जानकारी है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले लोगों का एक अलग ही चहेता है और लालू प्रसाद यादव को कितना लोग प्यार करते हैं। एक लालू प्रसाद यादव की झलक के लिए बिहार में लोग तरस उठते हैं और लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जब खबरें उल्टी सीधी आती है तो इस पर लोगों ने कई बार रिएक्शन भी दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद में कई बार यह चर्चा हुई है कि आखिर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता क्यों रद्द की गई। इसके पीछे का वजह और कारणों को तलाशने की कोशिश भी की गई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ये कारण है और इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। आज राहुल गांधी भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन वह हमेशा से यह चर्चा करते रहते हैं कि किस तरीके से एक नया प्रयास किया जाए और अपने आप को रोजाना कुछ नया किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा हमारे तरफ इशारा कर रहे हैं और हम भी उनके तरफ, क्योंकि हमें लगता है कि दोनों आदमी के मिलने से कुछ नया जुड़ाव हो सकता है और हम जुड़ करके कुछ नए विकासों को कर सकते हैं। इसी विकास कार्यों को करने के लिए हमेशा से हम तत्परता के साथ अपने कामों को करने की मजबूती दिखाते हैं और यह साफ है कि कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। यह उम्मीद बताएगी और उम्मीद के साथ तमाम चीज़ें सामने निकल करके आएगी कि हम कितना बेहतर करने के प्रयास में जो हैं वो कितना बेहतर हो सकता है। 24 में जनता स्पष्ट करेगी हम सब।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है। उपेंद्र कुशवाहा ने हमेशा से अपने आप को जी हाँ एक बड़े नेता के तौर पर दिखाया है, और माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास कुशवाहा समुदाय के अच्छे खासे वोट बैंक है, जिस वोट बैंक का अब फायदा उपेंद्र कुशवाहा लेते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे यह स्पष्ट भी कर सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई और नहीं, यानी साफ है कि उनसे बड़ा कोई और नहीं का मतलब क्या है और कितना ज़्यादा पैमाना मजबूत किया जाएगा। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लाइक करके जय हिंद, वंदे मातरम भारत।